दोस्तों, आज हम करने वाले टमाटर के हार्वेस्टिंग जो मेरा टेरिस पे लगा हुआ है उसके साथ साथ मेरा सेम का हार्वेस्टिंग करेंगे दोस्तों। दोस्तों तो हार्वेस्टिंग करते करते बताएंगे हम टमाटर का प्लान में कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं और कितना बड़ा गमला में लगा हुआ है। दोस्तों एक बाल्टी है जो कि 16 इंची का बाल्टी है और टमाटर का प्लांट के लिए ये जो गमला बाल्टी है ये परफेक्ट साइज है। इसमें आसान बढ़िया इसमें फूल फल आता है, इससे छोटे साइज भी टमाटर का प्लांट के लिए ठीक नहीं होता। दोस्तों देखिए, मेरा टमाटर का प्लांट ये हमने लगाए थे दिसंबर महीना में, तो जनवरी में भी काफ़ी हार्वेस्टिंग कई बार हमने किए हैं। तो सर्दी में जब था तो फूल फल बढ़िया आता था, लेकिन सर्दी जब ख़त्म होने वाला था, जो कोहरा होता कोहरा और जब धूप इसमें अच्छा खासा होने लगा, तो ये टमाटर का प्लांट मेरा ऐसे डैमेज हो गया था, ऐसा लगता था कि सूख गया था, मर जाएगा बचेगा नहीं। लेकिन उस समय हमने इसमें कौन सा फंगिसाइड इस्तेमाल किए हैं और कैसे किए हैं दोस्तों देखिए, इसमें टमाटर के जैसे हमारा फेब्रुआरी में जब अच्छा धूप निकालने लगा तो हमारा प्लांट एकदम पत्ती वो सूख गया था, कुछ डाले सूख गए थे, ऐसा लगता है प्लांट बचेगा नहीं। लेकिन हमने इसमें फंगिसाइड हफ्ता में एक बार दिए, 3 बार दिए है, तो इसमें हमारा टमाटर का प्लांट फिर से सही हो गया। कुछ पत्ता हमारा ख़राब हो गया था, उसको हम तोड़ के निकाल दिए दोस्तों। इस समय मेरा प्लांट बिल्कुल ठीक है और गर्मी भी पड़ने लगी फिर से। हम इसमें गर्मी में भी एक बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, आपको वीडियो को दिखा नहीं पाए दोस्तों, और फिर से एक बार कर रहा हूँ हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, कुछ बंदर है, इसलिए हम इसको जो टमाटर पकने वाला होता है वो हम तोड़ लेते हैं, या अगर 1-2 दिन घर पे रहता है तो ये पक जाता है, तो इसलिए हम कच्चे में इसको हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों। अगर पकने के इंतज़ार करते हैं तो बंदर आके इसको तोड़ के बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा ये प्लांट आपको पता है दिसंबर में लगाए थे, तो इसमें हमने जब सर्दी फरवरी में जब बढ़िया धूप निकालने लगे तो ये मेरा प्लांट एकदम सूख गए थे। तो इसमें हमने फंगिसाइड इस्तेमाल किए थे, साफ फंगिसाइड वो स्प्रे किए थे इसमें, और स्प्रे किए थे और थोड़ा सा इसकी जो मिट्टी है गमले की उसमें थोड़ा डाले थे, तो हमारा प्लांट सही हो गया था। दोस्तों ये मेरा 3-4 प्लांट है जो कि एक बाल्टी में लगा हुआ है, और इधर 3 प्लांट और है, तो ये भी डैमेज हो गया था बिल्कुल, लेकिन एकदम बिल्कुल ठीक है। अब हम 3 ही बार इस्तेमाल किए, ये 3 प्लांट है हमारा, ये बड़ा सा गमला में, इसमें गन्ना भी है, 2 गन्ना भी लगा हुआ, आपकी बार लगा है छोटे है। तो दोस्तों टमाटर का प्लांट में आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो साफ फंगिसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पत्ते के जो मुरझाने वाला जो रोग होता है वो भी आपका साफ फंगिसाइड से ही सही हो जाएगा। और नीम ऑयल हफ्ता 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपका प्लांट में कभी कोई फंगस नहीं लगेगा, कोई बीमारी भी नहीं आएगा। नीम ऑयल 15 दिन बाद कर सकते हैं, अगर आपके टमाटर के प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है पत्ती वगैरह में, तो जो फंगिसाइड है साफ फंगिसाइड ये भी आप 15 दिन बाद एक बार कर सकते हैं, तो आपका प्लांट अच्छा रहेगा। दोस्तों ये प्लांट हो गया, अब गर्मी में भी अच्छा खासा हमारे टमाटर देते रहेगा। ये मेरा अमरूद का एक छोटा सा प्लांट है दोस्तों, इसमें फूल भी आ गया था। और दोस्तों ये गन्ना हमने अब की बार लगाया है, लाल गन्ना जो होता है वो गन्ना, तो छोटा है अभी, 15-20 दिन हुआ है। तो दोस्तों टमाटर का प्लांट के आप इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको बताएंगे। कौन सा फर्टिलाइज़र हमने हमने फ्रूट का प्लांट, सब्जी का प्लांट में एक ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, वो भी सरसों का खली भिगा के, 2 दिन भिगा के हम वही इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसमें हफ्ता में एक बार हमने सरसों का खली 2 दिन भिगा के पानी में जब सड़ जाता तो इसमें देते, और कोई हम इसमें फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करते। और जब इसकी मिट्टी बनाए दोस्तों, तो मिट्टी में 70% दिए गार्डन सॉइल और 30% दिए गोबर का खाद। दोस्तों ये हमारा टमाटर एक प्लांट का हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, अब दूसरा प्लांट में भी हार्वेस्टिंग कर दिए। ये हमारा अमरूद का प्लांट है, इसमें भी फूल आ गया दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा अमरूद का प्लांट में फूल ऑटोमेटिक आ गया था। और ये मेरा एक लौकी का प्लांट है दोस्तों, अभी ये 15 दिन हुआ है, अब इसको बढ़िया है लौकी का प्लांट, इसमें फूल भी आने लगा दोस्तों, अभी छोटा सा प्लांट है। तो
तो दोस्तों ये हमारा आप करेंगे सेम का हार्वेस्टिंग। तो ये मेरा सेम का प्लांट है और सेम के प्लांट में आप जानते हैं कि काफ़ी सारा फंगस वगैरह आ जाते हैं, माहू होता है, माहू भी लग जाता है, तो माहू लगने से भी प्लांट आपका डैमेज कर देता है दोस्तों। तो इसमें हमने नीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं और नीम ऑयल 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर देते हैं, जो उसमें हमारा कीड़ा वगैरह नहीं आता। और साफ जो फंगीसाइड है, फंगीसाइड भी हम 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर देते, तो हमारा प्लांट अच्छा रहता है, कोई फंगस नहीं लगता, कोई पत्ती में कोई कीड़ा भी नहीं लगता, पत्ती एकदम फ्रेश रहता है। तो अगर प्लांट आपका सही है तो फल तो आना है दोस्तों। इसमें भी हमने फर्टिलाइजर वही हफ्ता में एक बार सरसों का खली भिगा के डालते रहता हूँ दोस्तों। सरसों का खली के जो खाद है आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, इससे प्लांट में और कोई फर्टिलाइजर आपका देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये सीम का प्लांट में इसको भी हम दिसंबर नवंबर के आखिरी में लगाए थे, जो दिसंबर में तैयार हो गया था। तो इसमें भी हम सर्दी में भी 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और इसमें भी गर्मी में भी हम एक बार और किए हैं। और दोबारा गर्मी के फेब्रुआरी से, जनवरी से जब से हल्का गर्मी पड़ने लगे, 2 बार हम कर चुके हैं हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारा सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में इसमें फूल फल आते रहता है दोस्तों। तो ये प्लांट बढ़िया है। सर्दी ख़त्म जब हुआ तो ये भी काफ़ी डैमेज हो गया था फरवरी में जब धूप निकलने लगा, क्योंकि इतना सर्दी हुआ था और कोहरा पड़ा था, इसी की वजह से डैमेज हो गया था। तो अब मेरा प्लांट अभी भी सही है, इसमें भी साफ फंगिसाइड इस्तेमाल किए थे हमने और नीम ऑयल, और कोई मेडिसिन इतने इस्तेमाल नहीं करता हूँ दोस्तों। तो ये हम 15 दिन बाद बात कर देते हैं, साफ फंगीसाइड एक बार स्प्रे और नीम ऑयल एक बार, 15 दिन में, ये 15 दिन में हूँ तो दोस्तों। तो ये आप सीम का प्लांट भी आप फंगस से बचाने के लिए, आप साफ फंगीसाइड और कीड़ा से बचाने के लिए आप इसमें नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है दोस्तों। तो मेरा लगभग हार्वेस्टिंग हमने कर लिया है, लगभग इसमें 1 किलो तक का सेम हार्वेस्टिंग हुआ है। प्लांट काफ़ी डैमेज हो गया था, काफ़ी सकाई इसकी सूख गए थे, तो उसी हिसाब से अब जो प्लांट हमारा ठीक हो गया, तो इसमें लगभग 1 किलो तक सेम हार्वेस्टिंग हमने कर लिया है दोस्तों। ये मेरा टमाटर है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगी एक कमेंट, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में बताना आपको।